जी बट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कंडीशनल सेंटेंस करना है ना, आज नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, ये उतार लो। ठीक है बता दो, 2 मिनट उतार लो पहले। उतरे? ठीक, जल्दी करो। पहले जैसा है वैसा उतार लो ना जी, जो है जैसा है पहले उतार लो। चलो फर्स्ट में आओ, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब आप बनाओगे तो बिल्कुल इस तरह नहीं करोगे, वर्ड्स लिखोगे, बीच में जो एक मार्क है प्लस वो नहीं दोगे, है ना, अना बोलोगे, सिर्फ वर्ड लिखोगे। अवश्य वाना जाना चाहिए, अवश्य वानी जानी चाहिए, अवश्य वाने जाने चाहिए, तीनों हो गए बस उसी तरह सारे के। अवश्य वाया जाना चाहिए था, अवश्य वाई जानी चाहिए थी, अवश्य वाए जाने चाहिए थे। वा रहा है, वा रही है, वा रहे हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, हड़बड़ाओ मत। हर एक्सरसाइज की अपनी अपनी कोई रूल है ना, तो हम लोग रूल को लिख ले, जान ले, समझ ले, अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में मतलब 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद जब मैं सिर्फ सेंटेंस लिखूं तो आपके पकड़ में आने चाहिए कि ये होंगे, बस काफी है, दैट्स इनफ। ओके, मजा आ रहा है? क्यों मजा आ रहा है? नहीं, मजा तब आएगा जब आप लोग बात करेंगे एक दूसरे से, है ना, गैदर हो आप लोग। हाँ, बट ट्राई करो, ट्राई टू स्पीक समथिंग एल्स। ओके, या सर्दी है आपको भी है? चलिए, इसलिए आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारा देना जरूरी है। क्या नहीं लिखे, देखो, ये सारे जो साउंड स्ट्रक्चर हैं इसको अपनी कॉपी में आपने लिख लिया। लिख लेने के बाद जब आप घर में जाओगे तो अगर आप खुद बना सकते हो कोई वाक्य तो बना लेना, करना, और नहीं बनते हैं तो जब मैं करूं तो मैं भी किसी बुक से नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, खुद सोचूंगा, खुद बनाऊंगा। जो आप लोग मेरी हेल्प करोगे उस वक्त, क्या हेल्प करोगे, सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो बताओ, मैं मिस करूं आप लोग बताओगे कि ये होगा, ठीक है, तुरंत इंडिकेट करोगे, क्या
आपके लॉन्ग सेंटेंस में बहुत है। कितने लॉन्ग सेंटेंस हैं आपके? चलिए एक उदाहरण आज दे देता हूँ। आज ये उतार लिए ना, पूरा कंप्लीट है, उसी के एक्सरसाइज 8-6-7 के नहीं है, 8-7 में कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस मींस हमारा क्या है देख लो। नहीं आज करूंगा नहीं, मैं हल्का जब पूछा है तो देख लो। ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, शर्त रखते हैं, इसमें शर्त की बातें होती है। एक सेंटेंस ये है खत्म, दूसरे ये है खत्म, ठीक है। तो ये दोनों की बात मिलते हैं, शर्त रखते हैं। जैसे बोलो क्या वाक्य है आपके, यदि वर्षा होगी तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। क्यों वाकई नहीं मिलोगे? चलो देखो, ठीक है देख लेना। क्या बोला, यदि वर्षा होगी तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। मिलूंगा हाँ, यदि वर्षा होगी तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। यदि वर्षा होगी ये एक वाक्य है ना, तो कि कुछ होते हैं नहीं, ये सिर्फ जोड़ दिए हैं। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, देखो कंडीशन शर्त है, बस इसी तरह के शर्ते होंगे आपके। अब आज बता नहीं रहा हूं, कल बताऊंगा। फर्स्ट अगर फ्यूचर है तो ये हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे, और दूसरे हमारे फ्यूचर होंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब को आप लोग एक ही बार लिखते हो या दो तीन बार लिख देते हो, एक ही बार ना, तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं। कल समझेंगे, अभी हल्का समझो। बनाओ यदि कहा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। ये है एक्सरसाइज 87 के, यहाँ पर लिखो अगर, यदि दोनों के इंग्लिश वर्ड इफ होते हैं, इफ, ठीक है। अब इसमें देखो यदि पहले है तो यदि के क्या करेंगे, इफ हो गए। वर्षा होगी बनाए थे ना आप लोग, बनाए थे ना, किसने बताए थे एक्सरसाइज बोलो। चलो छोड़ो, वर्षा होगी ये बनाए थे, क्या लिखे थे, इट यूज किए थे। चलो तो क्या करेंगे, इफ इट
अब ये देखो, इट हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ जो वर्ब आएंगे इसमें एस ई एस लगाना है या नहीं, सिंपल प्रेजेंट में चल रहे हैं, लगाना है। तो इफ इट रैन लिखो, अब यहां रैंस हो गए, एस लग गए, रैंस हो गए खत्म, यहां कॉमा दे दो, ये खत्म है। अब बचा मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट सी यू, क्या मीट कर दो, मीट सी को हटा दो, मीट कर दो, मीट कर दो, सोचना नहीं है, मीट ये ना, हाँ कर दो, होते हैं चलेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग इस तरह बनाए, ये चीज को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, आई सेल नॉट मीट यू इफ इफ इट रेंस, खत्म, ठीक है। क्या छूटे, पकड़ लिए, क्या छूटा, फिर से आई सैल, यही सब चीज अब आप लोगों को पकड़ना है बीच बीच में, अब मैं छोड़ दूंगा है, आई सैल नॉट मीट यू, उसमें छूटा हुआ था ना यू, यू इफ इफ इट रैंस, खत्म हो गए, ठीक है। आज हम लोग इतने रखते हैं, वो आपके कॉजेटिव के जितने भी स्ट्रक्चर थे ये खत्म है। अब आप लोग कोशिश करोगे, खुद घर में प्रैक्टिस करोगे, है ना। अब आपने घर में कैसे प्रैक्टिस किया, नहीं किया, किनके बीच किया, किनको सुनाया, किनको दिखाया, मैं नहीं जानता, मेरे पास आओगे मैं देखूंगा। आज की लिस्ट आज कितने हैं, 70 दिखाओ, 75 है। आज मुझे भी कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। किसने क्या कहा उनसे बोलो कि हमारे वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे, है ना, क्या नहीं समझ में आया उनको या क्या डीप समझना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, जहां तक मैं हूं वहां तक, उसके बाद अगर वो चलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं किया नहीं, वो एक्सरसाइज मैं किया नहीं हूं, आप लोग समझे नहीं हो कोई भी, है ना। और वो पूछेंगे तो मैं उनकी चीज को बताऊं तो आप लोग सस्पेंस में रहोगे कि ये क्या है, है ना। एक दो सवाल आपके भी होंगे, लिखूं मैं तो इसीलिए, ठीक। हाँ, उनसे बोलो मैं रेडी हूं, एनी टाइम, जब भी मन हो उनको बोलो, वो करे मैं जवाब दे दूंगा,
नो डाउट, ठीक है। तो और किन्हीं को कुछ नहीं, चलिए हाँ क्या बोले, हाँ वो मेरे को याद है, आज मेरे खत में है, ठीक है, कल से मैं लिख कर रखूंगा, आप लोग भी आओगे उतार लोगे, है ना। वर्ब की वन पोजीशन, सेकंड, लेकिन एक चीज है, एक बात मैं कहना चाहूंगा सबों से कि सपोज मानो, सपोज हंड्रेड वर्ड्स लिख दिया मैं, किसकी, वर्ब की, हंड्रेड वर्ड्स वर्ब लिखा मैं, अब इसके रूप को भी मैं दिखा दिया, ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर और फाइव, ये हमारे लिए ज्यादा मस्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप लोग भी कर लोगे, है ना। इसमें हमारे आई एन जी होते हैं और इसमें हमारे एस या ई एस होते हैं, यही है। मेन है वन टू थ्री, वन भी हो सकता है कि आप लोगों को मालूम हो, इसके सेकंड फॉर्म क्या होंगे, थर्ड फॉर्म क्या होंगे, ये दोनों में आप लोग दुविधा में पढ़ सकते हो, है ना, ये दोनों में। तो मैं ये कर दूंगा, मैं तीन ही करूंगा, वन टू थ्री एंड फोर फाइव आप लोग खुद कर लो घर में, मैं लिख दूंगा अब से डेली, पर डे नियम बना लो कि कम से कम मैं लिखूं। हाँ अब देखो, ये सपोज मानो मैं हंड्रेड वर्ड्स वर्ब के लिख दिया, फॉर्म भी बता दिया, आप लोग याद भी कर लिए, तो अब ये बताओ वो वर्ड इनफ है सारे पर्सन के लिए। अगर कोई दूसरे पर्सन आ जाए और वो 101 नंबर में कोई न्यू वर्ड है वो आपसे बोल दे और आप चुप हो जाओ, तो इसलिए वर्ड को आप लोग भी दौड़ाओ, वर्ड में आप लोग भी दौड़ो, कुछ कुछ बातें बोलो। मैं कहा हूं, बराबर कहता हूं कि आप लोग आते हो एक दूसरे से हाय हेलो करो, ठीक है, जब कन्वर्सेशन में उतरूंगा तब मैं बताऊंगा कि गुड मॉर्निंग बोलना है, ये तो पहले बता दिया था, यूं ही बताया था, अब इसकी फुल डिफिनेशन दूंगा मैं, है ना, बट अभी स्टार्ट में नहीं किया, और अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे क्या चीज है, आपको हल्का समझो, ये बहुत उठते हैं, हम लोग एक नाउन एडजेक्टिव और दूसरा वर्ब, बस इसी चीज को तो बताते हैं, है ना। ये चीज को जब बताएंगे तो हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं, ये अभी मैं चल नहीं रहा हूं, हल्का बता रहा हूं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं, ये होते हैं दिस, That और this के plural होते हैं these और that के होते हैं those, ठीक है, ये show करते हैं। और ये verb जो है ये बताएंगे person, person ही ये बताते हैं, इसको काम को कौन करते हैं,
कोई वस्तु करते हैं काम, आपके घर में स्पून होंगे, या सपोज मानो ये मार्कर है पेन, ये मैं रख दिया, इनसे कहो बोर्ड पर लिखो तो हमारा नाम, ये लिखेंगे, कौन करेंगे, कोई व्यक्ति ही करेंगे, मैं करूं, आप करो, ये करे वो करे, कोई भी है ना। नहीं, वो सारी चीजें जब मैं उतरूंगा ना तब बताऊंगा, अभी हल्का एक मतलब अपनी मेमोरी में रखो, माइंड मेमोरी जो है इसमें हल्की बात को रखो ताकि गड़बड़ाओ नहीं। एक ही व्यक्ति अगर एक बार नाम आ जाता है आपके, कुछ लंबे बात है, और एक बार नाम बता दिया, अब दूसरे बार फिर नाम है, तीसरे बार फिर नाम है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, सही बात है, नाम है, तो एक बार नाम बताते हैं और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन को उतार देते हैं। एक बार नाम बताया, जैसे आपका नाम क्या है, रीटा, ओके, अब बार बार रीटा रीटा नहीं लिखना है, इसकी जगह में हम लोग सी करेंगे बस। तो उसी तरह वर्ब में हमारे पर्सन है या फिर हमारे प्रोनाउन आते हैं। जब मैं ये दिखाऊंगा ना तब आप लोग और समझोगे। ओके, बाय करता हूं मैं। ये क्या कहते हैं, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से कितने लोग आपस में बात किए हैं, बनाई भी नहीं हुई, ऐसा लगता है बनाए। चलो, कितने दिनों तक बात किए आप लोग एक दूसरे से, किए हो आप लोग? ओए नीचे क्या देख रहे हो जी, उठो खड़े हो जाओ, बोलो, नहीं किए, क्यों नहीं किए, करना है। देखो, गर्ल्स एंड बॉयज आपस में बात करेंगे, ठीक है, ओके, आज मैं इतने ही रखता हूं, नहीं हिंट्स मेरे को नहीं देना, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है, आप लोग बात करो, क्या करोगे, कैसे करोगे, नहीं करोगे, आप करो, अभी मैं कन्वर्सेशन में नहीं उतरा हूं जो मैं बताऊं, है ना, तो मेरे भी नियम के खिलाफ हो जाएंगे, मैं चलता हूं नियम पर, जो नियम है उसी नियम पर चल रहा हूं। अगर आप लोग बुक से नहीं आज करते तो मैं बता देता हर चीज। बीच में आप बोले थे ना सेंटेंस लिखाने, सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो ये सब चीज बताया मैं, नहीं बताया। जैसे कोई कह रहे थे कि ग्रामर इज नॉट नीड फॉर अस टू लर्न, ऐसा ही कुछ बता रहे थे, बट इट्स नो, ग्रामर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, ओके, या ओके, बाय।